सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज लेसन नंबर 5, क्लास 4। लेसन नेम इज़ डे एंड नाइट। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये लेसन मैंने आपको ऑलरेडी रीड करवा दिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स अभी मैंने नहीं किए हैं, तो वो मैं आपको कल करवा दूंगी। सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस कॉल्ड? जो अर्थ है उसका खुद की एक्सिस के ऊपर घूमना क्या कहलाता है? तो उसे हम रोटेशन कहते हैं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, द मोमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। क्या कहेंगे? रोटेशन। इसका आंसर ओनली रोटेशन है। मैंने फिर भी इतना बड़ा लिख दिया, आप रोटेशन भी लिख सकते हैं चाहें तो। द मोमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस कॉल्ड रोटेशन। ओके, सेकेंड वन इज, व्हाट डू यू मीन बाय रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ? रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ से आप क्या समझते हो? जो रिवॉल्व करती है ना धरती सूरज के इर्द गिर्द, उससे आप क्या समझते हो? रिवॉल्यूशन इज द मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। रिवॉल्यूशन मोमेंट होता है जो अर्थ का सूरज के इर्द गिर्द, उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। रिवॉल्यूशन जो होता है वो मोमेंट का, अर्थ का मोमेंट होता है सूरज के चारों ओर। द अर्थ एक्सिस ऑफ इट्स रोटेशन इज टिल्टेड बाय 23.5 डिग्री। जो अर्थ की एक्सिस होती है रोटेशन के समय टिल्ट होती हैं, झुके हुए होते हैं 23.5 डिग्री पे। अगर आप चाहें तो इतना बड़ा लिख सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज रिवॉल्यूशन इज द मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ये भी लिख सकते हैं। ओके, अगर आप बड़ा नहीं करना चाहते। दिस टिल्ट कॉजेज द डिफरेंट सीजन ऑफ द ईयर। जो ये झुका हुआ होता है, एक तरफ झुक जाना जो होता है, उसके कारण जो होता है डिफरेंट सीजन होते हैं साल के अंदर। द पाथ ऑफ द अर्थ मूविंग अराउंड द सन इज कॉल्ड एन ऑर्बिट। वो पाथ, वो रास्ता जिसमें अर्थ सूरज के इर्द गिर्द मूव करती है, मतलब एक बिंदु पे मूव करती है, उसे ऑर्बिट कहते हैं। तो अगर आप ये पूरा बड़ा लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है, अदरवाइज आप इतना लिख देंगे तो भी चलेगा। रिवॉल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ओके, द थर्ड वन इज, हाउ मच टाइम डज अर्थ टेक टू कम्प्लीट वन रोटेशन? रिवॉल्यूशन के लिए एक साल लगता है। जो रोटेशन होता है ना वो 24 घंटे का होता है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे 24 आवर्स। या आप ऐसे लिखते हैं, द अर्थ टेक्स 24 आवर टू कम्प्लीट वन रोटेशन। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अगर आप चाहें तो 24 आवर्स भी लिख सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वन डे एंड वन ईयर? तो डिफरेंस बिटवीन वन डे और वन ईयर ये होता है कि वन डे एक पीरियड टाइम का होता है, एक दिन के अंदर का टाइम का पीरियड होता है उसे, जो 24 घंटे का होता है। लेकिन जो वन ईयर होता है वो एक साल का होता है। द डिफरेंस इज दैट डे इज एनी पीरियड ऑफ 24 आवर्स। जो दिन है वो कोई भी टाइम हो सकता है 24 घंटे का। वाइल ईयर इज द टाइम इट्स टेक द अर्थ टू कम्प्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ द सन। लेकिन ईयर, जो ईयर है उसमें क्या होता है, ये पूरा एक साल लेती है धरती सूरज के चक्कर लगाने में। तो 24 आवर्स एक दिन होता है, 365 वन ईयर होते हैं। 365 डेज होता है वो वन ईयर का होता है। ओके, फ्रॉम विच डायरेक्शन द सन राइजेज एंड द सन सेट्स? एक्सप्लेन योर आंसर व्हाइल इट्स अपीयर सो। अच्छा, द इसमें पूछा गया सूरज कहाँ से उगता है और कहाँ से डूबता है। द सन, द मून, द प्लैनेट एंड द स्टार्स ऑल राइजेज इन द ईस्ट। जो सूरज है, चंद्रमा है, प्लैनेट हैं, तारे हैं, वो सारे ईस्ट की तरफ ही उगते हैं और वेस्ट की तरफ डूबते हैं। ठीक है, सेट्स वेस्ट की तरफ। एंड डैट्स बिकॉज अर्थ स्पिन टूवर्ड द ईस्ट। जो अर्थ है वो स्पिन करती है ईस्ट की तरफ, तो यही कारण है स्पिन करने का। स्पिन करने के कारण वो क्या बोलते हैं, ईस्ट की तरफ से उगता है और वेस्ट की तरफ से डूबता है। तो ये आपके जो 5 क्वेश्चन आंसर हैं ये आपने नोटबुक में करने हैं। इसके बाद मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स और दूसरा जो भी बुक वर्क है वो करवाऊंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई इसी चीज़ का मीनिंग नहीं पता है, अगर आपको नहीं पता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं वर्ड मीनिंग करवाऊँ इनके भी, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको इनके वर्ड मीनिंग भी करवा दूँगी। थैंक्स, डेट्स ऑल फॉर टुडे।